सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि हम जा रहे हैं बनारस। अभी हम अपने रोबोट भाई के घर से निकल रहे हैं। रोबोट भाई के घर से ई रिक्शे से बैठ चुके हैं बस स्टैंड की ओर। बता दे कि बनारस वाली बस आ चुकी है और हमें जिस बस से बनारस जाना है वो बस ये है। यार अभी हम बनारस आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं होटल में अपने, जहाँ पे हम लोग ने रूम ले रखा हुआ है। पहले से हम लोग ने बुकिंग कर दी थी अपनी ऑनलाइन, तो हमारा जो होटल है वो थोड़ी दूर बोल रहे हैं। ऑनलाइन नहीं की थी, 500 रुपये दिया था। यार बनारस में हम लोग ने होटल ले लिया है, जिस होटल का नाम है सत्संग लॉज। तो ये रहा हमारा होटल, हम आज रात यहाँ पे स्टे करेंगे। और गाइस यार अभी हम लोग थक चुके हैं और अपने होटल आ चुके हैं रूम पे, बोल रहे हैं। और उसके बाद कल हम सारे बनारस के मरना, तेरे को डर नहीं लगता, दर्शन कराएंगे। बोल रहे हैं कल। सो गुड नाइट गाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और रात को मैं सो गया था और आपने जैसे कि देखा था कि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो अब मैं उठा हूँ और मैंने नहा के रेडी हो गया हूँ। बस हम निकलने वाले हैं बनारस के कुछ फेमस प्लेस पे। गाइस यार अभी हम आ चुके हैं बनारस में, पान वाले भैया क्या जो कहते हैं कि पान बनारस का सबसे फेमस होता है। सबसे पहले हम पान खाएंगे। A few moments later. कर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रन लो। निकल रहे हैं दशाश्वमेध घाट के लिए और सुना है कि वहाँ पे क्या कहते हैं आसपास में ही सारे घाट हैं, तो वहीं पे आपको सारे दर्शन कराता हूँ मैं आप। गाइस यार अभी हम मणिकर्णिका घाट पे आ चुके हैं, जहाँ पर मोस्टली अंतिम संस्कार होता है। आप व्यू आप देख सकते हैं। काफी लंबा रास्ता है। सो गाइस यार अभी ये रहा मणिकर्णिका घाट, आप देख सकते हैं पीछे का व्यू। और ये स्थापित मंदिर कह रहे हैं इसको, कुछ अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, तो इसे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको व्यू दिखा सकता हूँ पूरे का पीछे का। तो अभी हम चलते हैं दूसरे घाट। ये है दशाश्वमेध घाट, आप दशाश्वमेध घाट के दर्शन कर लीजिए। सो गाइज यार पूरे दर्शन करा दिए मैंने बनारस के, जहाँ तक मैंने कोशिश की थी वहाँ तक आपको दिखाया है। तो होप यू लाइक इट गाइज। अगर थोड़ा सा इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी पार्ट अच्छा लगा वो प्लीज़ कमेंट्स कर देना। सो जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे प्यार देते हैं।